हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंफर्ट फूड्स बाय सरिता। आज हम बना रहे हैं चना दाल पराठा। यहाँ हम आधी कप चना दाल ले रहे हैं, करीब 100 ग्राम। उसको 3-4 घंटे के लिए भिगो दिया था। इसके बाद प्रेशर कुक करेंगे। पानी उतना ही डालेंगे जितने से दाल कवर हो जाए। 4 से 5 सीटी आने तक पकाएंगे। अब आटा सान लेते हैं। 2 कप आटा लिया है, गेहूँ का आटा। उसमें हम डालेंगे ये दाल। इसको एक तो आप मैश भी करके डाल सकते हैं और दूसरा सानते समय ही मैश करते जा सकते हैं। और दाल को पानी के साथ ही डाल दें। अब मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच अजवाइन। इसके बाद कुछ सूखे मसाले, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, चाट मसाला, स्वाद अनुसार नमक, कसूरी मेथी, 2-3 चम्मच घी। घी डालने से आटा अच्छा नरम बनेगा और उससे पराठे भी अच्छे सॉफ्ट बनेंगे। अब इन सबको अच्छा सा मिक्स करेंगे और फिर इसके बाद पानी डाल के आटे को सानेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। वैसे तो स्टफिंग बनाकर भरकर पराठा बनाया जा सकता है, जैसे कि आलू का पराठा बनाते हैं, लेकिन यहाँ मैं प्लेन पराठा सब कुछ एक साथ मिक्स करके बना रही हूँ। जब आटा इकट्ठा हो जाए तब हाथों में थोड़ा सा घी लगा के आटे को स्मूथ कर लेंगे। तो 1/2 कप के करीब पानी यूज हुआ। थोड़ा पानी दाल के साथ आ गया था और 1/2 कप ये। आटा एकदम अच्छा सॉफ्ट बना है। अब इसे ढक कर 10-15 मिनट के लिए रख देंगे और उसके बाद हम अपने पराठे बनाएंगे। चना दाल से हम और भी बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे पूरन पोली बना सकते हैं, चना दाल वड़ा बन सकता है। तो यहाँ हम जो पराठे बेल रहे हैं वो बहुत पतले भी नहीं होने चाहिए और बहुत मोटे नहीं, मीडियम थिकनेस के। तिकोना शेप भी दे सकते हैं, चौकोर भी बना सकते हैं, बीच में घी का लेयर लगा के फोल्ड करके सेक सकते हैं। यहाँ मैं गोल पराठा बना रही हूँ बिना परत के। बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे, हल्के हाथों से प्रेस करेंगे, नहीं तो पराठा कड़क सा बन जाएगा। तो ये हमारा पराठा बन गया और इसी तरह हम बाकी पराठे भी बेल कर बना लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि पराठा कितना सॉफ्ट बना है। तो इस तरह से हमारे 8 पराठे बनकर तैयार हो गए। इन्हें प्लेन खाइए, अचार के साथ खाइए या फिर रायते के साथ खाइए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।